दोस्तों वर्तमान में प्रसारित हो रहा टीवी शोज की दमदार कहानी के साथ ही हमें उनमें कई तरह की जोड़ियां भी देखने को मिलती है, जिनमें जहां पति पत्नी और एक कपल की जोड़ियों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वहीं शो में जीजा साली की जोड़ियों ने भी दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया है, जिसकी वजह से दर्शकों को इन जोड़ियों के लिए खूब प्यार मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर जीजा साली की जोड़ियों में नजर आने वाली इन जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी ने अपनी बॉन्डिंग से दर्शकों का सबसे ज़्यादा दिल जीता है, जिसकी वजह से जीजा साली की जोड़ियों में दर्शक काफी ज्यादा इन्हें पसंद करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और जानते हैं। नंबर एक, हर्षद चोपड़ा और करिश्मा सावंत। इस लिस्ट में सबसे पहले जोड़ी का नाम है हर्षद चोपड़ा और करिश्मा सावंत की, जिन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में जीजा साली के रिश्ते में देखा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहता है, जहां हर्षद चोपड़ा यानी अभिमन्यु तो आरोही की शक्ल देखना पसंद नहीं करते और हमेशा ही उसकी किसी न किसी बात को लेकर उसको डांट देते हैं, जिसकी वजह से इसलिए जीजा साली की ये जोड़ी लोग पसंद नहीं करती। नंबर दो, शक्ति अरोड़ा और अंजुम फकीह। वर्तमान में कुंडली भाग्य सीरियल में जीजा साली के रूप में शक्ति अरोड़ा और अंजुम फकीह अभी दर्शकों को काफी ज्यादा एंटरटेन करते हैं। दोनों के इस रिश्ते में भले ही इनमें प्यार और अच्छी बॉन्डिंग ना देखने को मिले, पर इनके बीच दिखाए जाने वाले सीन्स दर्शकों को काफी एंटरटेन करते हैं और इनमें भी हमेशा ही तकरार भरा रिश्ता रहता है, जिसकी वजह से इनकी जोड़ी जीजा साली के रिश्ते से काफी परे है। नंबर तीन, रोहित सुचिंती और मुनीरा कुदरती। भाग्यलक्ष्मी शो में जीजा साली के रिश्ते में रोहित एंड मुनीरा कुदरती भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बॉन्ड में नजर आते हैं। दोनों एक अच्छे जीजा साली की तरह हमेशा ही एक दूसरे को खूब सपोर्ट करते हैं और हमेशा ही एक दूसरे की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। उनके बीच काफ़ी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। नंबर चार, अविनाश मुखर्जी और तानिया शर्मा। जीजा साली की इस जोड़ी में एक नाम अविनाश मुखर्जी और तानिया शर्मा का भी है, जो कि ससुराल सिमर का 2 में काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग करते नजर आए हैं। दोनों ही भले शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा तकरार भरा रिश्ता रखते हो, पर अब दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें इनमें के बीच जीजा साली का प्यार देखने को मिलता है। नंबर पाँच, शगुन पांडे और शरीन खंडूजा। मीत सीरियल में जहां लोगों को शगुन पांडे और आशीष सिंह की पति पत्नी की जोड़ी काफ़ी प्यारी लगती है, वहीं शो में शरीन खंडूजा और शगुन पांडे की जीजा साली की जोड़ी भी नजर आती है, जिनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि शरीन अपने ही जीजा पर डोरे डालती है, जिसकी वजह से जीजा हमेशा इनसे दूर भागते हैं और इसी वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा तूतू में हमें देखने को मिलती है। पर छह, सिम्बा नागपाल और महक चहल। नागिन 6 में नजर आ रहे सिम्बा और महक चहल भी यूं तो जीजा साली का रिश्ता बनाते हैं, पर जैसा कि आप सभी जानते हैं, महक की नजरें अपने ही बहन के पार्टनर पर आ चुकी है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में अब जीजा साली से ज्यादा पति पत्नी का प्यार देखने को मिलता है, जिसकी वजह से लोग इन्हें बिल्कुल देखना पसंद नहीं करते। नंबर सात, फहमान खान और मयूरी देशमुख। इस लिस्ट में जीजा साली की जोड़ियों में एक जोड़ी फहमान खान और मयूरी देशमुख की भी शुमार है। बता दें, इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा नफरत भरा रिश्ता देखने को मिलता है, जो कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते और इसी वजह से इनकी जीजा साली की जोड़ी को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। बराट मनीत जोरा और अंजुम फकीह। इस लिस्ट में आखिरी जोड़ी का नाम शुमार है मंजीत और अंजुम फकीह का। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब प्रीता की शादी मनीत जोरा यानी ऋषभ के साथ हो चुकी है, जिसकी वजह से अंजुम फकीह के साथ इनका जीजा साली का रिश्ता है, जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बॉन्ड शेयर करेंगे और हमेशा ही दोनों एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों, इन सभी जोड़ियों में से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।